सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप बढ़िया ही होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, और आज आपको एक नई जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस समय हम सूरत के मोस्ट लग्जूरियस मॉल के बाहर खड़े हुए हैं लगभग, जिसका नाम VR मॉल है। आपको दिखाते हैं वो कैसा लगता है देखने में। तो सामने आपको ये जो दिख रहा है ना, VR मॉल, वर्चुअल रियलिटी मॉल है ये। बहुत बड़ा मॉल है यहाँ का। यहाँ से इसकी मेन एंट्री दी हुई है और पीछे साइड से भी इसकी एंट्री है। जहां से चाहो वहां से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। इस एरिया का बहुत ही बड़ा और सुंदर मॉल है ये। और देखो प्लांटेशन कितना बढ़िया लगा है। देखो ये जो गाड़ी जा रही है ना, मर्सिडीज गाड़ी की है। देखो इसका लोगो भी दिखाऊं इसमें। ये गाड़ियां यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई स्पेशल नहीं है। मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जस्ट नॉर्मल थिंग फॉर दिस सूरत सिटी। और यहाँ की एक और अच्छी बात बताऊं तो यार, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। ना ज्यादा गर्मी है यहाँ, ना ज्यादा सर्दी है। टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में है। यूपी में तो भाई बहुत बुरा हाल है, 40-40 प्लस टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन यहाँ 30-35 के बीच में है। मतलब अगर आप वॉक करोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये टेम्परेचर हाई है। हवा चल रही है बहुत प्यारी, इसलिए टेम्परेचर यहाँ बहुत बढ़िया है, तो घूमने में बहुत मजा आता है। जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं ना, बेसिकली ये वाला ट्रैक हमारा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ से एयरपोर्ट भी हमारा अप्रोक्स 5-6 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं बाइक पे होता तो 2 मिनट में पहुंच जाता। ड्रीम सिटी का ही बोर्ड लगा है। इस डायरेक्शन में जाओगे तो 7 किलोमीटर है यहाँ से हमारी ड्रीम सिटी, और इस रूट पे पड़ता हमारा एयरपोर्ट। दिखाते हैं, लिखा भी हुआ है सामने बोर्ड पे कि एयरपोर्ट कितनी दूर है। सामने जो बोर्ड लगा है इसमें लिखा हुआ सबसे ऊपर डोमस एयरपोर्ट है, नीचे NH-8 है, उसके नीचे हजीरा की लोकेशन दी हुई है। अगर एयरपोर्ट के लिए जाना हो तो हमें सीधा जाना पड़ेगा। इवन इस वाले ग्रीन बोर्ड पे भी हमारा मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज कहाँ पड़ेगी। चलो सीधे ही चलते हैं आगे और देखते हैं कैसी लोकेलिटी, कैसा एरिया है यहाँ का। देखो यहाँ की रोड्स देख रहे हो कितनी साफ है, कोई भीड़ नहीं है, और देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। दी मोंटेलेजा करके कुछ, रांजनास करके कुछ है इसका नाम। ठीक है, यहाँ से देखो लोग कितना ही टॉप क्लास का लग रहा है। यहाँ पे देखो पार्किंग स्लॉट दिया हुआ है इसमें, और ये बिल्डिंग है। यहाँ से अंदर जाके किसी दिन यहाँ भी जाएंगे, अंदर बैठने का भी दिया हुआ है, आप बैठ सकते हो आराम से। सो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अभी दिन का व्यू है। सिर्फ हमारा दिन का व्यू ऐसा आता है सूरत पे घूमने पे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी दिन आपको शाम का व्यू भी दिखाऊंगा। लाइटनिंग में भी इतना सुंदर लगता है ना ये शहर। और देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये बिल्डिंग है बस स्टॉप की। मतलब बस अगर आपको लेनी हो तो यहाँ पे आप वेटिंग करके बस ले सकते हो। उसी के साइड में बस वाला रूट जा रहा है। गाड़ियों वाला, बाइक वाला रूट तो ये है, उधर वाला बस वाला रूट है, तो बस के लिए अलग से लाइन गई है। तो यहाँ पे बस आई है, अब ये बस स्टेशन है, इसमें से निकल के लोग इसमें आएंगे। तो बस बिल्कुल साइड में चल रही है, इसका मेन रोड से कोई काम नहीं है। मेन रोड पे ट्रैफिक स्मूथली रन कर रहा है, बस का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वरना रोड जाम हो जाते हैं ना बस की वजह से, तो ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि आपको दिखाया, बस का यहाँ पे अलग ट्रैक है, गाड़ियों का अलग ट्रैक है, वैसे ही वॉक करने वालों का भी अलग ट्रैक है। ऐसे क्या है ना, आप वॉक भी कर सकते हो यहाँ पे, धूप नहीं लगेगी, छाई में भले ही प्यार से कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो छाई हो रही है, तो वॉकिंग ट्रैक बहुत अच्छा है। उधर मेन ट्रैक दिया और छाई में आराम से आप वॉक करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस समय 12 बजे का टाइम हो रहा है, तब भी देखो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। वॉकिंग वाले ट्रैक पे भी बिल्कुल लास्ट तक, जहां तक रोड चल रही है वहां तक पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कंट्रोल रहता है। डिवाइडर्स पे अलग लगे हैं पेड़, और साइडों में अलग पेड़ लगे हैं, तभी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं जाता। और सबका सिस्टम है, गाड़ियों का सिस्टम अलग है रूट, बस का रूट का सिस्टम अलग है, और बाइक्स के लिए अलग है। तो ट्रैफिक की समस्या तो यहाँ आई नहीं सकती है, जैसे यूपी वगैरह में ट्रैफिक की समस्या हो जाती है ना कि जाम वगैरह बहुत लग रहा है, वो इशू यहाँ पे कोई नहीं रहता। देखो सामने ये जो गाड़ी गई है वो मर्सिडीज थी हमारी। ट्रैक देख रहे हो, पूरा ट्रैक पेड़ों से भरा हुआ है, इसलिए बड़े ही मस्त और आराम से चल रहे हैं अपन, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और हवा और लग रही है। सोचो 12:30 बजे भी इतना प्यारा मौसम लग रहा है, तो यही बेनिफिट होता है पेड़ पौधों को लगाने का शहर के अंदर। और ये आ गए हम अपनी लोकेलिटी में,
जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे भी देखो बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताए हुए हैं। वो वाला थोड़ा वीआईपी है, कल वो अंधेरे में दिखाया था, आज मैं लाइट में दिखा रहा हूँ। ये वाला थोड़ा वीआईपी है, इसकी कॉस्टिंग भी हाई है। और ये जो इधर घर बना हुआ है वो एक बिजनेसमैन का घर है, उसके आगे वाला हमारा फ्लैट है, तो हम उसमें चलेंगे अभी। देखो यही वाला है वो वाला घर है ना, ये पूरा पीछे तक गया हुआ है, वहां तक एंड है। इसके अंदर पूरे में बना हुआ भाई बड़ा ही प्यारा घर, आलीशान जिसे कहते हैं वो चीज। और इधर देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है और अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और इधर देखो बिल्डिंग्स हवा से बातें कर रही है, सारी हवा से। कोई भी छोटी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, सब आपको 20-30 मंजिल और फ्लोर की ही बिल्डिंग दिखेंगी। ये वाला यहाँ पे मॉल में काम चल रहा है, मॉल का। और इधर साइड सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल और ऑफिशियल। तो चलते हैं अभी इसी ट्रैक पे आगे घूमते हैं और हरियाली और यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाते हैं आपको कैसा है। और यहाँ देखेंगे दोस्तों बीएमडब्ल्यू का शोरूम है, ये चल रहा है, कुछ टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगा, सर्विसिंग और शायद परचेजिंग वाला होगा। देखो कितना प्यारा है बीएमडब्ल्यू का शोरूम, गाड़ियां भी खड़ी है कुछ यहाँ पे। और ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये है बिजनेस सेंटर, मतलब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ना उसके ऑफिस इसमें बने हुए हैं। तो देखो कितनी लग्जरी बिल्डिंग लग रही है देखने में। तो सो गाइस ये वाला ऑफिस देख रहे हो आप, स्वास्तिक यूनिवर्सल लिखा है, इसी ऑफिस में भैया जॉब करते हैं। और ये पूरा एरिया ही बिजनेस हब है, यहाँ पे हर तरीके के बिजनेस के ऑफिस बने हुए हैं, तो इस वाले में हमारे भैया काम करते हैं। सामने भी आइकॉन वाली बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी पूरा बिजनेस हब का ऑफिस है। ऑफिस की हाइट देख रहे हो कितनी ज्यादा है, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लू ही ब्लू कलर की हो रही है, ऊपर स्वास्तिक लिखा हुआ है इसमें। अब तो सब निकल रहे हैं यहाँ से लगभग। तो दोस्तों आज की वीडियो हम खत्म करते हैं इस लिफ्ट के अंदर, क्योंकि लिफ्ट के उतरने के बाद हमारा रूम आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।